वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। तो आज मैंने लिस्ट बनाई है ऐसे 5 आइडियाज़ की जिनके ऊपर YouTube चैनल स्टार्ट किया जा सकता है और जिनका ट्रेंड कभी नहीं जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में PUBG से रिलेटेड चैनल्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है, तो वो ज़रूर देखिएगा। मूवी चैनल रिव्यू। मूवीज़ का ट्रेंड आप सबको पता है कि कभी नहीं जाने वाला। ऐसे में एक चैनल अगर ऐसा हो जो कि नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में रिव्यूज़ दे, किसी क्रिटिक की तरह नहीं, मूवीज़ में मसाला कितना है और किस तरह के लोगों को ये पसंद आने वाला है। इस चैनल के साथ एक ऐड ऑन ये हो सकता है कि आप नए के साथ साथ पुरानी मूवीज़ का भी रिव्यू करो, जिससे नई जनरेशन को पुरानी हिट मूवीज़ के बारे में पता चले। दैट कुड बी अ USP फॉर द चैनल। USP के बारे में बात की जाए तो किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से USP आपके बिजनेस मॉडल में वो चीज़ है जो आपको बाकी कंपटीटर से अलग बनाती है। USP मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो इस चैनल की बात की जाए तो यहाँ न्यू मूवीज़ के साथ साथ ओल्ड मूवीज़ का रिव्यू करना एक USP है। रिव्यू को अगर आप ह्यूमर और सरकाज्म के साथ प्रेजेंट कर पाए तो इस चैनल को चलने से कोई नहीं रोक सकता। लिस्ट में सेकंड नंबर पर है सीरीज़ रिकमेंडेशन। मूवीज़ रिव्यू की तरह ही एक चैनल जो कि डेडिकेटेड हो सिर्फ TV सीरीज़ पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तो चाहिए पर उन्हें पता नहीं होता कि क्या देखा जाए। आजकल ट्रेलर्स भी काफ़ी मिसलीडिंग बनने लगे हैं। कभी ट्रेलर्स बहुत अच्छा होता है तो सीरीज़ बेकार निकल जाती है, और कभी सीरीज़ बहुत अच्छी होती है बट उसका ट्रेलर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो अगर आप हर वीक एक नई TV सीरीज़ का एक बेसिक रिव्यू करो और लोगों को उसे देखने के लिए रीज़न दो, मोटिवेशन दो, तो इंटरेस्टेड लोग आपके रिकमेंडेशन के बेस पर सीरीज़ ज़रूर देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी नीड है जिसे फुलफ़िल किया जा सकता है। यहाँ पर भी ओल्ड टॉप रेटेड हिट सीरीज़ का रिव्यू किया जा सकता है। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कोई स्पॉयलर्स नहीं देना है, बस लोगों में इंटरेस्ट जगाना है कि वो सीरीज़ देखें। ब्रेकिंग बैड, शेरलॉक, सूट्स जैसी TV सीरीज़ हैं जिन्हें लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ऐसी सीरीज़ को आप रेकमेंड कर सकते हैं, और कंटेंट के लिए या तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं या फिर खुद सीरीज़ को देखकर भी कंटेंट बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट द रिव्यू मस्ट बी ऑथेंटिक एंड फ्री ऑफ स्पॉयलर्स। लिस्ट में नेक्स्ट सेगमेंट है गेमिंग चैनल। ये बात शायद आपको पता ना हो, लेकिन YouTube हिस्ट्री में आज तक YouTube से जिस चैनल को सबसे ज़्यादा इनकम हुआ है वो एक गेमिंग चैनल है। कुछ लोगों के दिमाग में गेमिंग चैनल वर्ड सुनते ही PUBG का ध्यान आ गया होगा, लेकिन भाई PUBG मोबाइल को गेमिंग चैनल समझना बहुत बड़ी गलती है। गेमिंग चैनल पर एक गेम नहीं खेला जाता, इसके लिए गेमिंग फील्ड में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। गेमिंग न्यूज़, न्यू गेम्स, ऐसे गेम्स जो लोग नहीं खेल पाते उन्हें देखने का मज़ा ही कुछ और है। हालांकि इस आइडिया में गेमिंग PC का खर्चा है, इसलिए ये सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए ही है, बट इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। या तो आप गेम स्ट्रीम कर सकते हो या डिफरेंट गेम्स का गेम प्ले दिखा सकते हो। फील्ड थोड़ी R&D वाली है, बट अगर मज़ा आता है तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल का डायरेक्शन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रिडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है फूड चैनल। नहीं, कुकिंग चैनल नहीं, फूड चैनल, जिसमें आप तरह तरह के फूड का रिव्यू कर सकते हो। इंडियन फूड के चर्चे सारी दुनिया में हैं। यहाँ पर अवेलेबल स्पाइसेस और रीजनल फूड बहुत फेमस है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप हर चीज़ का सही रिव्यू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फूड चैनल स्टार्ट करते हो और इंदौर की सराफा मार्केट की हर शॉप पर मिलने वाले फूड का रिव्यू करते हो, जैसे कि कहाँ पर लोकेटेड है, कितनी शॉप्स हैं, क्या क्या मिलता है, ऐसे में इंदौर से कनेक्टेड सारे लोग इसे ज़रूर देखेंगे। लोगों को अच्छा लगता है उनके शहर की कोई बात अगर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आए तो। ऐसे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फूड लोगों की फीलिंग से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए रिव्यू सही होना चाहिए। आपके रिव्यूज़ का जितना इम्पैक्ट होगा उसी के बेस पर चैनल ग्रो करता जाएगा। USP के लिए अंडररेटेड प्लेस पर जाकर वहाँ का ट्रेडिशनल फूड का रिव्यू कर सकते हैं। एक अच्छा कैमरा जो कि मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है और बेसिक एडिटिंग सीख कर इस चैनल को शुरू किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। अगर एक YouTube चैनल पर दो बंदे सिर्फ फूड चैलेंज कर करके चैनल को ग्रो कर सकते हैं तो रिव्यू तो फिर भी काफ़ी नॉलेजफुल है, सो दैट विल डेफिनेटली वर्क। लास्ट और एवरग्रीन ऑप्शन है वीलॉगिंग। मेरी नज़र में वीलॉगिंग एक बहुत बड़ा करियर है, लेकिन इसे सही तरीके से समझा जाए तब। वीलॉगिंग में आप अपनी खुद की लाइफ को YouTube पर लेकर आते हो, जहां लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी लाइफ उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि 9-to-5 जॉब करने वाला कोई बंदा या जो अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम ना निकाल पा रहा हो, ऐसे में ये लोग वीलॉग्स को देखकर काफ़ी इंस्पायर होते हैं जिनमें लोग अपने मन का कुछ कर रहे हों। तो वीलॉगिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से जो सभी को नहीं मिल पाते आप उन्हें शेयर करते हो। मुंबई का निखिल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मोटो वीलॉगिंग और वीलॉगिंग बात एक ही है,
क्योंकि दोनों ही चीज़ में आप अपनी लाइफ का एक खास पार्ट सबके साथ शेयर करते हो। थिंक अबाउट इट, चैनल स्टार्ट करते टाइम इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेंट। पहले सबको दिखाना पड़ेगा मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट और धीरे धीरे व्यूअर्स आपके कंटेंट के साथ आपको देखने लग जाते हैं, फिर आप स्लोली टॉपिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा आइडिया से भरा हुआ वीडियो। अब बात पबजी चैनल के बारे में, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जिन लोगों को पबजी खेलना पसंद है उनमें से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि गेम स्ट्रीम किया जाए और फिर वो भी एक दिन मॉर्टल या डायनामो की तरह फेमस होंगे और काफ़ी पैसे अर्न कर पाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूँ, मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया था कार्नेज गेमिंग। खुद को मैं एक बेटर देन एवरेज प्लेयर कंसिडर करता हूँ, लेकिन 8 मंथ्स तक काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। पहली बात तो ये कि जो लोग पहले स्टार्ट कर चुके हैं उनके पास बेस अच्छा हो गया है, अब शुरू करने पर ज़्यादा स्कोप नहीं है। दूसरी बात ये कि व्यूअर्स की नज़र से सोचो, अगर उनके पास चॉइस है कि मॉर्टल जैसे प्रो प्लेयर का गेम देखें या फिर किसी न्यू बंदे का, तो ऑब्वियसली लोग मॉर्टल को ही प्रेफरेंस देंगे। इसलिए मेरा ओपिनियन ये होगा कि इसमें तभी कोशिश की जाए अगर आपके पास लॉस झेलने की कैपेसिटी, टाइम और पैसा हो। तो यह आपको सोचकर ही चलना पड़ेगा कि अगर चैनल नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो बहुत रिग्रेट होता है। यहाँ पर यूएसपी वाला फैक्टर ही काम करता है। स्ट्रीम सब कर रहे हैं पर अगर आपके पास यूएसपी नहीं है देन आई डोंट थिंक द आइडिया विल वर्क। एनीवेज, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। दिस मे बी वेरी फॉर द डिफरेंट पीपल। इफ यू वांट टू ट्राई यू शुड डेफिनेटली ट्राई। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।